सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फाइनली यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो बजाज पल्सर N160 हो गया, जो कि ये जो आप देख रहे हो स्काई ब्लू कलर में है। टोटल इसमें आपको चार कलर ऑप्शन मिल जाएंगे इस बाइक में, और इसमें आपको जो है ब्लैक ब्लू, ब्लैक वाइट, रेड और ये जो चौथा आप देख रहे हो स्काई ब्लू कलर है। 2024 में इसका जो कितना एक्स शोरूम प्राइस है, ऑन रोड प्राइस, ये हम कवर करेंगे। साथ ही साथ इस बाइक पर पूरे डिटेल से हम जो इसका फीचर्स के बारे में कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसका प्राइसिंग आप क्लियर करते हैं, 2024 में जो आपका इसका क्या प्राइस पड़ने वाला है। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस की बात कर लें तो इसका जो एक्स शोरूम है आपका 1,33,434 रुपये, ये जो आपका एक्स शोरूम रहने वाला है। ऑन रोड प्राइस की बात कर लें तो ये जो आपका 1,64,000 के आसपास ये आपका ऑन रोड रहने वाला है। N150 से टोटल ये आपको 14,000 के आसपास ये आपका मांगी है। इसमें आपको डिफरेंस मिल जाते हैं सीसी के, सीसी जो है बाइक का उसमें आप इंजन में आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे, बाकी कुछ आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इसके जो है फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट की बात कर लें तो ये कुछ आपको दो DRLs मिल जाएंगे जो कि LED में है। साथ साथ ये जो हेडलाइट आपको प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स मिल जाते हैं, और फ्रंट वाइजर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। वाइजर पर आपको स्टीयरिंग किया गया है, नंबर प्लेट लगाने का जगह यहाँ मिलता है, और ये आपको इसमें आपको जो है डिजिटल मीटर मिल जाता है जो कि आप देख सकते हो। इधर आते हैं साइड टर्न इंडिकेटर, जो अभी भी आपको हैलोजन में भी मिलते हैं। 2024 में इसमें आपको हो सकता है अपडेट करके हैलोजन जो इसके ये जो है साइड टर्न इंडिकेटर जो है LED में अपडेट कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह का इसका फ्रंट लुक है। और इसके सस्पेंशन की बात कर लें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप देख रहे हो ब्लैक कलर का मिलता है, और इस पर आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाएंगे। और ये बाइक जो है सिंगल चैनल ABS में भी आता है डुअल डिस्क के साथ, और जो एक जो आता है डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS में, ये जो आप देख रहे हो ये आपका डुअल चैनल ABS डुअल डिस्क वाला वेरिएंट है। दो ही वेरिएंट इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो मेडिगार्ड की बात कर लें तो ये जो मेडिगार्ड आप देख रहे हो स्काई दो डुअल टोन में है, स्काई ब्लू है, और पीछे आपको जो है ब्लैक कलर रखा गया है। 17 इंच का इसमें आपको एलॉय मिल जाता है, एलॉय पर आपको स्टेगरिंग मिल जाएगा जो कि स्काई ब्लू का, जो कि आप देख सकते हो। और एलॉय का जो ये देख रहे हो कटिंग वगैरह, ये न्यू इसमें आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और टायर प्रोफाइल की बात कर लें तो 100/80/17 का इसमें आपको MRF कंपनी का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। ब्रेक की बात कर लें तो 280 mm का डिस्क डायमीटर मिलता है। फ्रंट में जो है ABS सिंगल चैनल डुअल चैनल ABS है, तो फ्रंट में भी आपको ABS देखने को मिल जाएंगे, और इसमें आपको जो है डुअल पिस्टन कैलिपर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे ग्रेमिका के। और हम चलते हैं अब इसके कुछ रियर प्रोफाइल में, तो रियर कुछ ऐसा कुछ दिखता है। और पहले इसके सस्पेंशन की बात कर लें तो ये जो है मोनोसॉक्स विथ निट्रॉक्स पीछे का रियर सस्पेंशन है, जो कि आप देख सकते हो रेड कलर का। और पीछे की टायर प्रोफाइल की बात कर लें तो सबसे पहले इसका जो है 17 इंच का अलॉय इसमें पीछे में भी आपको मिल जाता है। टायर प्रोफाइल की बात कर लें तो 130/17 का इसमें आपको जो MRF कंपनी का जो है ट्यूबलेस टायर इसमें आपको मिल रहा है। साथ ही साथ पीछे भी आपको टायर अगर एड ऑन किया गया, पीछे आपको जो है सिंगल कैलिपर मिलते हैं। और डिस्क डायमीटर की बात कर लें तो 230 mm, साथ ही साथ पीछे भी आपको ABS मिलते हैं जो कि स्विचेबल नहीं है। और ये कुछ जो आप देख सकते हो साइड पैनल पर N160 का जो है स्टिकरिंग किया गया है, काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें आपको जो है स्प्लिट सीट दिया गया, जो कि आप देख सकते हो एक स्पोर्टी लुक दिया गया है इस बाइक का, काफ़ी प्रीमियम लगता है ये बाइक। और ये जो ग्रेबरिल आप देख सकते हो ग्रे कलर का ग्रेबरिल आपको देखने को मिलता है जो कि स्प्लिट में है। और ये जो है ब्रेक टेल लाइट की बात कर लें तो ये भी आपको स्प्लिट में LED में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ साइड टर्न इंडिकेटर आपको हैलोजन मिलते हैं, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, नंबर प्लेट लगाने का जगह यहाँ हो गया, नंबर प्लेट लाइटिंग हो गया, पीछे टायर अगर हो, और पीछे का लुक कुछ इस तरह का आपको बाइक का निकल कर आता है। और ये आप देख सकते हो ये जो है कुछ चीज़ें साइड पैनल पर, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपका कुछ ग्रिल टाइप में दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। ये आपका पिलियन फुटपैक्स हो गए, इधर आप देख सकते हो राइडर फुटपैक्स, ये आपका ब्रेक पैडल हो गया। इसमें आपको जो है N160 में जो आपको किक पैडल आपको नहीं देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको सिंगल हॉर्न मिलते हैं। साथ ही साथ ये जो आपका लेग गार्ड हो गया, ये आपका इंजन काउल हो गया, जो कि ये आपको फाइबर में ही है, ये मेटल में नहीं है, ये आपका फाइबर में ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका जो है कैटालिक कन्वर्टर मिल जाता है, ये आपका लेग गार्ड हो गया। साथ ही साथ आपको जो है इसका एग्जॉस्ट नोट भी हम सुनाएंगे, वो आपको लास्ट में सुनाएंगे। और सबसे मेन चीज़ जो आता है N160 का पावर के बारे में बात कर लें, इंजन के बारे में बात कर लें तो इसमें आपको जो है 164.82 cc का जो है इसमें आपको एयर कूल्ड इंजन दिया गया है, एयर वाइल्ड कूल्ड इंजन इसमें आपको दिया गया है, ये आप देख सकते हो एयर वाइल्ड कूल्ड है। इसमें आपको बड़ा सा रेडिएटर नहीं दिया गया, बट एयर वाइल्ड कूल्ड इसमें आपको इंजन दिया गया है।
और ये जो है BS6 फेज 2 वाला, इसमें आपको इंजन मिल जाता है जो कि ये बाइक पावर जनरेट करता है 15.68 ब्रेक हॉर्स पावर का, और वहीं टॉर्क की बात कर लें तो 14.65 न्यूटन मीटर का। ये N150 से 11 पॉइंट जो है जो कि ज़्यादा ब्रेक हॉर्स पावर और न्यूटन मीटर का टॉर्क ज़्यादा पैदा करती है ये बाइक। और इसकी जो है इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल देखने को मिल जाएगा, 1 डाउन 5 अप इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साइड स्टैंड भी मिल जाते हैं, डुअल स्टैंड भी मिलता है, नेकेड चैन सेट आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सारी गार्ड मिल जाएगा। और इस तरह का कुछ इसका लुक है पीछे का जो कि आप देख सकते हो काफ़ी स्पोर्टी है। और ये जो आप देख सकते हो पूरा फ्रेम में आ रहा बाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेंटर पैनल कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, इंजन पर आपको बजाज का स्टिकर मिल जाता है। और मेन चीज़ जो आता है इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको जो है 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है, 2.8 लीटर का रिजर्व लगेगा। और ये बाइक जो है आपको टोटल 40 प्लस आराम से ये बाइक माइलेज निकालेगी, 42-43 तक आराम से कवर करोगे आप इजली, इतना तो आराम से ये बाइक देगी। टॉप स्पीड जो है 130 प्लस जाने वाली ये बाइक, 130 प्लस। और इसकी ग्राफिक्स की बात कर लें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ग्राफिक्स। टैंक कवर पर जो कि आप देख सकते हो बजाज का सिल्वर कलर का यहाँ पर 3D लोगो मिल जाता है जो कि आप देख सकते हो, ये आपका सिल्वर लोगो इस यहाँ पर आपको मिल जाता है। और काफ़ी ग्रिल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और कुछ इस तरह का आपका टैंक कवर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आते हैं तो E20 का अपडेट इसमें आपको दे दिया गया है। ये बाइक भी आप इथेनॉल पेट्रोल वाला है, पेट्रोल से ये चलेगी, इथेनॉल मिक्स पेट्रोल से। और यहाँ पर आपको जो है USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और इधर आते हैं तो कुछ इस तरह का आपका डिजिटल मीटर हो गया जो कि आप देख सकते हो, फुली डिजिटल मीटर इसमें आपको ऑन किए गए हैं। यहाँ पर आपको जो है काफ़ी फीचर्स दिए गए हैं, और ये आपका लेफ्ट राइट इंडिकेटर का हो गया, ये आपका जो है मीटर कंट्रोल का बटन हो गया, ये आपका हेडलाइट का हो गया, पास का हो गया, इसी में आपका हाई बीम का हो गया, ये तीनों फीचर्स इसमें आपको ऐड ऑन किए गए हैं, ये आपका हॉर्न का हो गया। बाकी कुछ इस तरह का आपको जो है हैंडल बार देखने को मिलता है सिंपल सा, और ये आपका किल स्विच होगा, इसमें आपको हैजार्ड वाला फीचर्स मिल जाता है, हेडलाइट ऑन ऑफ वाला फीचर्स मिल जाता है। N150 में ये वाले फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपका सेल्फ का बटन हो गया और कुछ इस तरह का आपका डिजिटल मीटर हो गया। और इसमें आपको जो है ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी भी इसमें आपको कंपनी ऑफर कर रही है, ये चीज़ें इसमें काफ़ी बढ़िया लगा। और काफ़ी चीज़ें इसमें आपको मिलता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह का कुछ इसमें आपको मीटर मिलता है, और ये कुछ सिंपल सा इसमें आपको की मिल जाता है जो कि बजाज की तरफ से ऐसा कुछ की मिलता है, इस पर आपको बजाज का लोगो भी आपको कंपनी दे रही है। यहाँ पर आपको इरिगेशन की मिल जाता है, इसको ऑन करते हैं और कुछ इस तरह का आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है जो कि आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया मीटर मिल जाता है। और ये आपका फ्यूल का दिखा रहा, ये आपका न्यूट्रल का इंडिकेटर हो गया, ये साथ ही साथ ABS का इंडिकेटर हो गया, चेक इंजन माल फंक्शन इंडिकेटर हो गया। मीटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपका बटन दिया गया है, यहाँ से आप ट्रिप A ट्रिप B सेट कर सकते हो। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें आपको मिल जाता है, बजाज बाइक राइड का एक ऐप आता है उसके साथ ये आपको कनेक्ट हो जाएगी। साथ ही साथ ये आपका टैकोमीटर हो गया, टाइम शो कर रहा, ये आपका स्पीडोमीटर हो गया, ये आपका रिफ्यूल हो गया क्योंकि ये बाइक में अभी फ्यूल नहीं दिखा रहा तो ये आपका रिफ्यूल का बता रहा। साथ ही साथ ये आपका RPM का हो गया, ये आपका ऑडो हो गया, ट्रिप A ट्रिप B यहाँ शो करेगा, एवरेज यहाँ शो करेगा, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से इसे चेंज करते हैं तो ये कुछ हो गया, इनफ डेट KM आपको दिखा रहा है जो कि आप देख सकते हो, यहाँ से फिर चेंज किए तो ये ट्रिप ए का दिखा रहा है, ये ट्रिप बी हो गया, और ये इंटर वार्निंग शो कर रहा, इंटर सेटिंग। तो ये सब चीज़ें इसमें आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं, और जो इसमें आपको डे नाइट वाला फीचर्स मिलता है ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छा है। डे नाइट वाला फीचर्स ये है कि डे में आपको ये ब्राइटनेस जो आपको ये आपको अपने अकॉर्डिंग ये सेट कर लेती है कि कितना ब्राइटनेस डे में रहना पड़े रहना चाहिए और नाइट में कितना ब्राइटनेस रहना चाहिए। हाँ, ये आपका जो है तभी मोबाइल से पेयर होगा जब आप बाइक ले लेते हो आपके नंबर पे, तभी ये आपके नंबर से पेयर होगा जब आप बाइक आपके नाम पर हो जाती है, आपके नंबर के वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद ये आपके नंबर से पेयर हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका जो कंसोल है क्योंकि ऐसा है तो ये फ्रंट से सीधे दिखता है पूरा कंसोल, डिजिटल कंसोल काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम इसका जो आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुनाते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है, बाकी चीज़ें बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। और सेंट्रल पैनल आप देख सकते हो कैसा है, सेंट्रल पैनल कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, नेकेड चैनसेट इस बाइक में आपको मिल रहा है। ये बाइक जो है 40 प्लस यानी 42 के आसपास ये आपको माइलेज आराम से कवर करेगी। और इसका जो है एग्जॉस्ट नोट भी हम सुनाते हैं, और ये जो है एक स्पोर्टी लुक है इसका, काफ़ी प्रीमियम लुक है जो कि आप देख सकते हो। सीट जो है इसका स्प्लिट रखा गया है, स्प्लिट ग्रैब रिल है, LED ब्रेक टेल लाइट मिल जाते हैं, हेडलाइट LED मिलते हैं, DRLs LED मिलते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें आपको अपडेट्स किए गए हैं। ये जो टायर अगर आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा लगता है, पीछे स्कीचर वगैरह नहीं है आपको,
परे, इसलिए आपको टायर हगर इसमें आपको एड ऑन किया गया है। बाकी इसका जो है एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं, इनलाइन इसमें आपको एग्जॉस्ट नोट मिल जाता है अंदर की तरफ, और इसको हम स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं कि एग्जॉस्ट नोट इसका कैसा है। जो कि आप देख सकते हो ये तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा बजाज पल्सर N150 का। बाकी तो मैंने इसका जो है डिटेल्स है, पूरा डिटेल्स फीचर्स वाला वीडियो मैंने कवर कर दिया है। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं इस बाइक के बारे में, तो मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊँगा। और आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आप लोग को ये जो मैंने बजाज पल्सर N150 का फुल डिटेल रिव्यू किया आप लोग को कैसा लगा। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो, तो इंडियन ऑटो बाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।